कक्षा 3 विषय गणित में हम सॉरी गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले पीरियड के अंदर हमने गुणनखंड के सवाल को भी हल किया था। तो आज हमने जो सवाल लिया वो है निम्न के 3-3 गुणनखंड लिखो, यानी आपको दी गई संख्या को केवल 3 गुणनखंडी लिखने हैं। तो गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं हम पिछले 2 लेसनों में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो है 24। तो मैंने आपको बताया था कि 24 जो है किसकी संख्या से भाज्य होता है, जो जिस संख्या से यह 24 भाज्य होता है वह इसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे देखिए 24, अब 24 जो है 2 के पाड़े से भाज्य होता है, कितनी बार, यानी 2 × 12, यानी 2 को 12 से गुणा करेंगे तब ये 2 से क्या होता है, भाज्य होता है। तो पहला गुणनखंड हुआ इसका 2 × 12। उसके बाद में 24 का दूसरा गुणनखंड देखिए 3 के पाड़े में भी आता ही है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 8 बार। तो 3 × 8, फिर 24 देखिए 4 के पाड़े से, 4 × 4, 4 × 2 = 12, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, कितनी बार, 6 बार। तो 4 × 6, तो पहला 24 का गुणनखंड हुआ 2 × 12, दूसरा 24 का गुणनखंड हुआ 3 × 8, और तीसरा हुआ 4 × 6। तो हमें कल 3-3 ही पूछा है सवाल में, तो हमने 3 गुणनखंड बता दिए और यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः 24 के 3 गुणनखंड, 24 के 3 गुणनखंड, 2, 3 और 4, और ये आपका आंसर। अब इसी प्रकार से संख्या 18 दे रखी है आपको, 18 के भी आपको 3 गुणनखंड बताने हैं। तो देखिए 18, वही सबसे पहले 2 के पाड़े से, 2 × 9 = 18, 2 के पाड़े में कितनी बार आता है ये, 9 बार, 2 × 9 = 18। फिर 18 3 के पाड़े से, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, कितनी बार, 6 बार। तो 3 के पाड़े में ये आता है 6 बार। अब मैं अगर 6 का ही लूँ तो देखो 6 के पाड़े में 6 × 6, 6 × 2 = 12, और 6 × 3 = 18, कितनी बार गया, 3 बार। तो ये 18 के हो गए 3 गुणनखंड। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः 18 के 3 गुणनखंड 2, 3 और 6, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब अगला अंक दे रखा है 32, तो तरीका आपका यही रहेगा। तो पीछे देखो इकाई का अंक 2 है, इसका अर्थ कि यह 32 जो है 2 के पाड़े से पूरी तरह विभाजित होता है। तो 32 के अगर टुकड़े करें तो ये हो गया 2 × 16, यानी 2 को 16 से गुणा करते हैं तो 16 × 2 = 32। अब मान लीजिए मैंने 32 का एक टुकड़ा कर दिया, अब देखिए 4 के पाड़े में भी आता ही है, 4 × 8 = 32, 4 का पाड़ा तो हम 8 बार बोलेंगे, तो 4 × 8 = 32, यानी 8 बार। फिर मैं 8 का पाड़ा लूँ, 8 × 8 = 8, 2 × 16 = 8, 3 × 24 = 8, 8 × 2 = 32, यानी 4 बार। तो इसका होगा, अतः 32 के 3 गुणनखंड,
तो ये हो गया दो चार और आठ, सॉरी। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं के, अब जितने भी पूछे आपसे, दो पूछे, तीन पूछे, चार पूछे, तो आप उसका निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तीन तीन ही पूछे तो हमने प्रत्येक अंकों के तीन तीन गुणनखंड ज्ञात किए। इनको कॉपी में उतारो और आप इन स्वयं इन्हें हल करने का अभ्यास कीजिए। अगर इनके कोई अन्य गुणनखंड भी होते हैं तो उनको भी आप लिखिए।